नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस की कलर बैंड देख करके उसकी वैल्यू निकालना और उसकी साइज को देख करके वाटेज निकालना, मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ। अभी थोड़ा सा कुछ एक वीडियो आज और बनाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को डायोड के बारे में बताएंगे, कंडेंसर के, फिर इस आईसी के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में सब बताएंगे। अभी मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुँच सकती है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। 29, 6, 20, 23 दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पास 9 वोल्ट का सेल है और हमको 9 वोल्ट के सेल से एक एलईडी जलानी है। देखिए ये एलईडी, आगे के डायोड के बारे में जब बताएंगे तो हम आपको भी बताएंगे डायोड के बारे में भी। देखिए ये एलईडी का सिंबल होता है, आप देख पा रहे होंगे ये एलईडी का सिंबल होता है। अब इसको हमको जलाना है। अब ये हमारे पास 9 वोल्ट का सेल है, 9 वोल्ट से जलाना है। देखिए इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये 9 वोल्ट का, इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये प्लस माइनस बना हुआ है, ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा होता है। देखिए ये तीर का निशान बना हुआ है प्लस लगा करके, इस तरीके से डीसी में प्लस माइनस होते हैं। देखिए अब हमको इस एलईडी को जलाने के लिए एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एलईडी जो लगी हुई है हमारी, ये ब्राइट एलईडी, मान लीजिए एलईडी तो जिससे कलर पे जो एलईडी आती है, पहले जो आती थी 2 वोल्ट से 3 वोल्ट तक की होती थी और इसकी वाटेज तो निर्धारित 20 mA होती है। तो ये एलईडी हमारी ब्राइट एलईडी 3 वोल्ट की होती है, जो व्हाइट कलर में एकदम जलती है। देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि ये 9 वोल्ट है, ये एलईडी हमारी 3 वोल्ट की है, तो इसको जलाने के लिए हमको यहाँ पे कितना, मतलब ओम की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक फार्मूला होता है उसको निकालने के लिए। देखिए इसका फार्मूला यही होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे पास 9 वोल्ट है, 3 वोल्ट 20 mA का एलईडी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है, इसका एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आर बराबर वी एस माइनस वी एल अपान आई। अब देखिए पहले इस फार्मूला का मतलब जान लीजिए। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। वी एस बराबर होता है Vs बराबर होता है सोर्स वोल्टेज सोर्स वोल्टेज होता है। देखिए VL बराबर लोड वोल्टेज,
लोड वोल्टेज और देखिए अपान आई, आई बराबर होता है करंट, करंट होता है, ये इसका एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा तभी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और वाटेज भी निकाल सकते हैं। वाटेज की भी वही दिखा रहा हूँ, पहले इसके दिखा देता हूँ निकालने का तरीका। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स 9 वोल्ट है, देखिए वोल्टेज सोर्स 9 वोल्ट है, तो क्या हो गया वी एस बराबर 9 वोल्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए वी एल, उसके बाद वी एल, वी एल बराबर 3 वोल्ट, क्योंकि हमारी एलईडी ये 3 वोल्ट है, वोल्टेज लोड वोल्टेज हमारा 3 है। और इसका करंट क्या है, आई, आई बराबर 20 मिली एम्पियर, ये हमारा एलईडी का लोड है, 3 वोल्ट 20 मिली एम्पियर का एलईडी हमारी हो गई। और इस फार्मूला को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 20 मिली एम्पियर जो एलईडी हमारी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 20 मिली एम्पियर अब भागे ये हो गया, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 0.02 एम्पियर हो गया, अभी मिली एम्पियर था ये एम्पियर हो गया। और ये हम 1000 कहाँ से इसको भाग किए हैं, उसका एक फार्मूला होता है, देखिए इकाई 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है, ये हमारा इसी से हमने यहाँ पे हमने भाग किया एम्पियर में बनाने के लिए। तो अब इसके मतलब बाद इसका ये वोल्टेज आ मतलब वाट आ गया, मतलब एम्पियर आ गया, सॉरी एम्पियर आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए R बराबर 9 बैटरी वोल्टेज, इसका -3 वोल्ट अपान 0.02 एम्पियर बराबर है 6/0.02 बराबर 300 ओम। देखिए ये जो 300 ओम हमारा निकल के आया है, ये हमारा रेजिस्टेंस की ये वैल्यू हो गई, ये 300 ओम इसकी वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की, ये निकल के आया। अब देखिए ये 300 ओम की रेजिस्टेंस आपको तो मिलेगी नहीं मार्केट में, तो हमको 300 ओम की रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम 150 ओम की दो रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं सीरीज में जोड़ करके। इससे देखिए एक रेजिस्टेंस ये हो गई, एक रेजिस्टेंस ये हो गई, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 150 ओम है, ये 150 ओम है, और ये क्वार्टर वाट है 1/4 वाट, और ये भी 1/4 वाट,
ये रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया। देखिए ये सीरीज का मतलब होता है ये जो रेजिस्टेंस जोड़े हैं सीधे पे, इसको सीरीज बोलते हैं। अब इसी में चाहे एक रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे इस तरीके से सीधा सीधा, ये सीरीज ही होगा। तो अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ते हैं उसकी वाटेज मतलब ओम भी बढ़ जाएगी और वाटेज भी। वाट तो चाहे सीरीज जोड़ी चाहे पैरेलल जोड़ी है, दोनों कंडीशन में वाटेज इसकी बढ़ती ही है। ये बराबर कितना हो जाएगा जब यहाँ से इसको जोड़ देंगे, ये बराबर हो जाएगा 300 ओम। देखिए क्वार्टर क्वार्टर वाट है तो ये 1/2 वाट मतलब कि हाफ वाट हो जाएगी, ये हाफ वाट हो जाएगी। अब हमारा ये रेजिस्टेंस मतलब 300 ओम हमारा, देखिए इस तरीके से दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज करके बना लिया इसको एलईडी को जलाने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमारी कितने वाटेज की रेजिस्टेंस चाहिए उसका भी एक फार्मूला होता है। उसके उसको बताने से पहले थोड़ा सा हम एक बार और आपको बताना चाहेंगे एक बात है, रेजिस्टेंस की थोड़ा सा कुछ है। एक बार थोड़ा सा क्योंकि ओम में और पॉइंट में निकालना रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम लोग जानते हैं। तो जिसे देखिए कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, देखिए इसकी वैल्यू देखिए देखिए पहला क्या है रेड है, रेड हो गया। दूसरा कलर बैंड रेड है, ये भी रेड है। तीसरा देखिए इसमें जो है अगर आप देख पा रहे हो देखिए गोल्डन है, गोल्डन है। और चौथा इसका जो कलर है वो भी गोल्डन है, देखिए ये भी गोल्डन है। अब इसमें देखिए जो हमने पहले इसके पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में बताया हूँ, देखिए पहला रेड है जो कि रेड में आपको दिखा दूँ, देखिए रेड दूसरे स्थान पे है। ये क्रमांक छोड़ दीजिए, इसका जो है तो जीरो शुरू होता है, जीरो से लेकर नौ तक होता है। देखिए रेड रेड दूसरे स्थान पर है तो हम कार्य में क्या यहाँ पे दो उतार लिए। देखिए रेड है तो फिर हमने दो उतार लिया। अगर तीसरे अंक में जीरो आता है, जीरो तीसरे अंक में नहीं उतारना होता है। अब तीसरे अंक में देखिए हमारा गोल्डन गोल्डन है, अब हमको गोल्डन को कुछ उतारना नहीं है। अब इसमें करना क्या है, ये गोल्डन गोल्डन है तो इसमें हम 10 से भाग कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 2.2 ओम इस तरीके से। और दूसरा देखिए यही एक सेम चीज, देखिए यही आपको मेन देखना है, पहला रेड है दूसरा रेड है, रेड हो गया। देखिए अब यहाँ पे तीसरा सिल्वर हो गया, और चौथा सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, देखिए रेड दूसरे स्थान पे है, दो उतार लिए, फिर दूसरा लाइन दो रेड है, दो उतार लिए। अब देखिए तीसरा और चौथा यहाँ पे दो लाइन मिले, सिल्वर सिल्वर या गोल्ड गोल्ड। देखिए सिल्वर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से भाग कर देंगे। ये 100 से भाग करना ये हमारा फार्मूला है, गुणा भाग करने से अच्छा है। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.22 ओम इसकी ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर दोनों गोल्डन गोल्डन मिलती है लास्ट की लाइन में तो आपको 10 से भाग करना है, अगर सिल्वर सिल्वर मिलती है तो आपको 100 से भाग करना है। ये याद रखिए क्योंकि इसका ये फार्मूला ही होता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ,
देखिए इकाई 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, ये सूत्र होता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000 लाख, 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम होता है, इसका ये सूत्र होता है। इसका मतलब है जिससे रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, ओम छोटी इकाई होती है, किलो ओम बड़ी होती है, मेगा ओम उससे बड़ी इकाई होती है, ये इसका एक फार्मूला होता है। और अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस और बना ली, चलिए रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कितना बताएंगे, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको देखिए। देखिए अब इसकी मतलब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 300 ओम का तो हो गया, और हमने 300 ओम को रेजिस्टेंस बनाना भी बता दिया, और रेजिस्टेंस यही, अगर रेजिस्टेंस हम जो 150 ओम की रेजिस्टेंस हम लगा रखे हैं, देखिए देखिए अगर ये हम दोनों इसको जोड़ देंगे, इसको पैरेलल बोलते हैं, 150 ओम 1/4 वाट, ये क्या हो गया 150 ओम 1/4 वाट। देखिए ये पैरेलल है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, और इसको आपस में इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए ये पैरेलल है, यही इतना याद रखिएगा, ये पैरेलल हो गया। देखिए अब इस कंडीशन में क्या है, देखिए वाट यहाँ भी बढ़ जाएगी लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे सेवेंटी फाइव ओम। देखिए ये क्वार्टर क्वार्टर वाट है, ये हो जाएगा 1/2 वाट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। चल इतना तो आप लोग जान गए होंगे। तो अब देखिए अब मैं इस एलईडी की जो रेजिस्टेंस है अब उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये कितनी कितने वाट की रेजिस्टेंस लगेगी, वाटेज निकालने के लिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब वाटेज निकालने के लिए एक फार्मूला आपको और दिखाएंगे, जैसे कि ये हमने इसकी रेजिस्टेंस की ये वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ से। अब इसी में देखिए थोड़ा सा एक आपको और याद रखना पड़ेगा, यही साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ। वी डी बराबर वोल्टेज ड्रॉप, वीडी बराबर वोल्टेज ड्रॉप, अब देखिए आई बराबर करंट, करंट ये हो गया, देखिए वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप हमारा कितना होगा, क्योंकि ये 9 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और 9 वोल्ट में 3 वोल्ट अगर निकाल देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा 6, मतलब 6, ये हमारा 6 वोल्ट हमको ड्रॉप कराना है, हमको 6 वोल्ट ड्रॉप कराना है। देखिए अब करंट हमारा क्या है, करंट इनकी आई बराबर कितना है, ये देखिए 0.02 एम्पियर ये है, ये हमने कहाँ से निकाला था, आपको दिखाए थे आपको भाग करके, मतलब हमने जब 1000 से ये भाग किया था
देखिए ये 0.0 ये हमारा इसका करंट हो गया। तो अब देखिए अब इसका क्या होता है, वाट वाट बराबर वी डी गुड़े आई, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप गुड़े करंट। तो अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए वाट बराबर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। अब गुड़े कितना है, 0.02 एम्पियर। तो अब ये बराबर हो जाएगा, कैलकुलेटर में करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी गणित मेरी बहुत कमज़ोर है, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करता हूँ। और देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर से गुणा किया तो ये आ गया हमारा 0.12 वाट, ये आ गया हमारा। अब क्या हो गया, ये जो है देखिए यहाँ पे हमारा देखिए 300 ओम और 0.12 वाट, ये आ गया इसका वाटेज। तो अब यहाँ पे इसको हम 1/4 वाट का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मतलब कि 300 ओम 1/4 वाट, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये चीज। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना सीख लेंगे। आगे की वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, जो लोग मेरे चैनल पे नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। एक बार थोड़ा सा आपको और हम ये बताना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो जूम करके दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हमने ये 3 रेजिस्टेंस लगाया हूँ, देखिए ये 1 वाट है। साइज पे देखिए, साइज पे इसकी वाटेज पता चलती है, देखिए ये जो है ये 1/2 वाट है, मतलब 1/2 वाट है, ये 1/4 वाट, मतलब 1/4 वाट 1/2 वाट, इससे मोटी आती है, कहीं पर रख दिए हैं, मतलब दिखाते वो 2 वाट होती है। और देखिए ये रेजिस्टेंस ये फ्यूजिबल है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को असेंबली रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ, जो कि सर्किट में आप देखेंगे देखिए इस तरह से होता है असेंबली रेजिस्टेंस। असेंबली रेजिस्टेंस जो होता है और इसको बोलते हैं SMD, मतलब ये क्या होता है, सरफेस मूड डिवाइस, क्योंकि ये PCB पर डायरेक्ट सोल्ड होती है। यहाँ पे ये देखिए जो पॉइंट में दिखाया हूँ ब्लैक कलर बना करके, ये डायरेक्ट यहीं पे सोल्डिंग लगा करके वो PCB पर डायरेक्ट ही ये फिट हो जाती है, इसलिए बोलते हैं सरफेस मूड डिवाइस, मतलब कि SMD रेजिस्टेंस ही है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कलर कोड कलर बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तरीका लेकिन वही रहेगा, तरीका हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा फार्मूला सूत्र होता है, जिसे मान लीजिए इस पे 10 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 ओम का हो जाएगा। मान लीजिए इसी पे अगर
100 ओम लिखा है, 100 लिखा है तो ये हो जाएगा 100 ओम। अगर किसी किसी में आप देखेंगे 101 लिखा रहता है तो ये क्या हो जाएगा, तभी ये 100 ओम होगा। क्योंकि देखिए 101 का मतलब क्या होता है, एक उतार लिए, जीरो उतार लिए, अब तीसरा अंक जो होता है उसको जीरो उतारते हैं, जीरो उतार लिए तो ये 100 ओम हो गया, 100 ओम होगा। मान लीजिए किसी किसी में ये लिखा हुआ, तब अगर 102 लिखा है तब इसमें देखिए आपको क्या करना है, 1 उतार लिए, 0 उतार लिए, 2 लगा है, अब तीसरे अंक हमने बताया तीसरे अंक पे उतनी 0, 10, 20, ये क्या हो गया 1000 ओम। अब 1000 ओम को आप किलो में बना लीजिए, सूत्र बता चुका हूँ, 1000 से भाग कर दिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बराबर 1, ये 1 किलो ओम हो गया। इस तरीके से आप निकालते हैं इसको। किसी किसी में क्या है, जिसे लिखा रहता है 2, देखिए 222 लिखा रहता है, जब 222 लिखा रहता है तो इसमें आप क्या करेंगे, ये मैंने गलत लगा दिया, असेंबली है तो 222 लिखा है, क्या करेंगे यहाँ पे, आपको 2 उतार लीजिए, फिर 2 उतार लीजिए, फिर ये क्या है 1020, तीसरे अंक वाला कि 0 उतारना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए 2200 ओम हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको 1000 से भाग दे देना है, 10 ये कट गया, 10 ये कट गया, 10 ये कट गया, 10 ये कट गया, तो ये कितना हो गया 2.2 किलो ओम। अगर देखिए आपको मेगा ओम में जो होता है, मान लीजिए 105 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 उतार लेना है, फिर 0 उतार लेना है, 5 है, 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखिए अब क्या करेंगे, इतने से हम भाग कर देंगे, ये 0 कट गई, ये 0 कट गई, ये हो गया 1 मेगा ओम, इसके वैल्यू 1 मेगा ओम हो गई। अब इसी में देखिए किसी किसी में आप पाएंगे 155, ये मैं असेंबली रजिस्टर में बता रही हूँ, क्योंकि असेंबली रजिस्टर में कोई कलर कोड नहीं होती है। तो अगर ये लिखा हुआ है 155 लिखा है तो 1 उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 0 उतार लीजिए, फिर उसी में उतने से भाग कर दीजिए, देखिए ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये बराबर कितना हो गया 1.5 मेगा ओम। इसकी इस तरीके से ये वैल्यू निकलती है एसएमडी में। बस आज की वीडियो इतना ही, मैंने रेजिस्टेंस में सारे चीज़ आपको बता चुके हैं, बाकी आप काम करेंगे तो खुद अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन एक बार लास्ट में फिर से कहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, या कुछ जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसीलिए सभी को धन्यवाद। अगली वीडियो में ले जाऊँगा ये रेजिस्टेंस को, तो मैं बता चुका हूँ, अगली वीडियो में डायोड पे ले आऊँगा, डायोड का वर्क क्या होता है और कितने मतलब प्रकार के होते हैं उस पर मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास स्पेयर पार्ट्स अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको टोटल स्पेयर पार्ट्स भी दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है, मैं बीच में आपको स्पेयर पार्ट के बारे में पूरा नेट से कॉपी करूँगा, गूगल पे कलर पे मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि सारे पार्ट्स मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस समय काम नहीं कर रहा, बंद कर दिया हूँ।